यहाँ पर जो हमारी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है उसकी यूनिट पर खड़े हैं, ठीक है। इस यूनिट में ये जो यूनिट है वो दो चीज़ों से चलती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक बैटरी है और एक यहाँ पर ठीक है सोलर पैनल है, ठीक है। इसके ज़रिए ये चलती है, जब कभी वर्षा होती है, ठीक है, तो सोलर पैनल जब काम नहीं करता है तो ये जो बैटरी है उससे हम लोग इसका इसे चल जाती है, मतलब ठीक है। इसका ये जो बीच का सिस्टम है ये डेटा लॉगर है, ठीक है। इस डेटा लॉगर में सारे सेंसर्स की इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी चाहे वर्षा की हो या आर्द्रता की हो, सब चीज़ की, ठीक है। चलिए आपको अब धीरे धीरे मैं एक एक करके सारे सेंसर का बताती हूँ, जिनका मैंने फोटो आपको भी दिखाया था। ये पहला जो है वो तापमान संवेदक है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था वो सफ़ेद रंग होता है इसका, ठीक है, ताकि जो सीधी धूप पड़ रही है उसका असर इस पर ना पड़े और इसमें जो रीडिंग ले रहे हैं वो गलत ना आए। एक चीज़ आप इसमें देखिए, इसकी जो दीवार है वो कुछ ऐसी लिबर्ट ऐसी झुकी हुई है ना, तो क्या होता है अगर ये खुली हुई हो, सीधी हो ऐसे, तो सीधी हवा अंदर जाएगी, ठीक है। लेकिन जब ये झुकी हुई है तो डायरेक्ट हवा इसके अंदर नहीं जाएगी और थोड़ा रुक करके जाएगी, तो रीडिंग गलत नहीं होगी, ठीक। तो इसमें चार सेंसर लगे हैं, एक मैक्सिमम टेम्परेचर का, मतलब अधिकतम तापमान का, न्यूनतम तापमान का, अधिकतम आर्द्रता का और न्यूनतम आर्द्रता का, ठीक है। जब क्या होता है कोहरे की संभावना बनती है या पाले की संभावना बनती है, तो जो आर्द्रता होती है ना वो 75% से ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो एक तरह से हमें कोहरे पाले का भी इससे अंदाजा लग जाता है, ठीक। अगला उधर सेंसर देखिए आप, वहाँ उस तरफ है जो, वो हवा का सेंसर है, ठीक है। मतलब कितनी तेज हवा चली और किस दिशा से चली, ठीक। तेज से तो आपको ये पता चल जाएगा कि मतलब आप सिंचाई करनी है या नहीं करनी है। अगर आप सिंचाई कर रहे हैं और तेज हवा चल गई तो लॉजिंग हो जाएगा, हाँ फसल गिर जाएगी, ठीक है। तो ये फसल के लिए है, ठीक है। और उसके ऊपर जो वहाँ पर है उसी के जैसा एक ऊपर लगा हुआ है 10 मीटर पे, ठीक है, वो जो है पेड़ों के लिए है। ये जो छोटा वाला है 3 मीटर वाला, वो फसलों के लिए है, गन्ने और उसके लिए, और वो ऊपर वाला जो है वो पेड़ों के लिए है, ठीक। जब कभी जैसे हवा की दिशा का क्या फायदा होता है, जिस दिशा से हवा आती है ना वो आर्द्रता का पता करती है, मतलब ठीक है। अगर वेस्ट से हवा चली, पश्चिम से हवा चली तो सूखी सूखी सी होगी, यहाँ से पानी लेके चली जाएगी, नमी ले जाएगी हवा से, ठीक है। और अगर पूर्व से चली या दक्षिण से आई तो क्या होगा, नमी देख करके जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरह से उसके लिए भी है। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ है जो, ठीक है, ये धूप संवेदक है, इधर है जो इसके ऊपर है ना, इधर से इस तरफ ये ऊपर वाला, ठीक, ये धूप संवेदक है। आम धूप लग रही होगी आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बादल है, ठीक है, कितनी देर बादल रहे उसका पता चल जाता है। धूप को माइनस कर दो आप, ठीक है, कितनी देर धूप नहीं रही तो उसका मतलब उतनी देर बादल रहे। जितनी देर भी बादल रहेंगे उसका अर्थ ये होता है कि कोई डिजीज आने वाली है या कोई कीट अटैक करने वाला है, ठीक है, उसका पता चल जाता है। तीन चीज़ें होती है, तापमान, आर्द्रता और बादल। ये तीन जब ये तीन चीज़ें एक साथ हो जाती है, इसका मतलब है कोई ना कोई फसल में रोग आएगा।